गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेशन। इससे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो ज़्यादातर बच्चे क्या आंसर करेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ये बोलेंगे। बट एक्चुअली ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि भाई इसको हम ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। खाली इसमें क्या हुआ है, गैसियस एक्सचेंज, ना इसमें कोई एनर्जी की बात हुई है या फूड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो अब रेस्पिरेशन क्या है, सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which food taken through nutrition gets oxidized and release energy for performing various activities। मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गया, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज मीन्स ब्रेक डाउन होना, ऑक्सीडाइज का मीन्स क्या है, ब्रेक डाउन होना, मैं भी आपको ये बताऊंगी पूरा ऑक्सीडाइज क्या होता है, एंड रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन, यहाँ पर ब्रीथिंग में सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी सिर्फ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, बस इतना ही काम है। बट रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, फूड जो हमने लिया था न्यूट्रिशन में, उस फूड को, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पर, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रेकडाउन, ऑक्सीडाइज क्यों बोला है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, एंड रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या देता है, फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी। तो जो ब्रीथिंग की प्रोसेस और ये हो गई रेस्पिरेशन। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या होता है ब्रीथिंग और क्या होता है रेस्पिरेशन, अब मैं आपको समझाती हूँ। तो आप ये बोलेंगे कि अभी हमने डाइजेशन पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन, न्यूट्रिशन पढ़ा है, तो उसका मतलब क्या है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है फिर। तो डाइजेशन में क्या हुआ कि डाइजेशन में जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था उसको ब्रेक डाउन किया था सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में, तो इसमें क्या हुआ था, मैं इसको रब कर रही हूँ जरा, मैं आपको भी इसको क्लियर करती हूँ कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन में क्या डिफरेंस है। भाई डाइजेशन में भी तो ब्रेक डाउन हुआ फूड का, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, जो भी हमने फूड खाया उसको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी ने अब्सॉर्ब किया और ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो डाइजेशन के अंदर क्या हुआ था, जो डाइजेशन की प्रोसेस थी, उस डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड था, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था उसका ब्रेक डाउन हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इंटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म, यही हुआ था कि कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हुआ था सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में। मान लो कैसे, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, यानी हमने राइस खाया, स्टार्च खाया, जो भी खाया उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, मैं एक का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए किसके थ्रू, राइस खाया या वीट खाया, यानी चपाती खाई हमने, जो भी खाया
उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो थे डाइजेशन की प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स फूड, ये है कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन हो गया किसमें, सिंपल फॉर्म यानी ग्लूकोज में। लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में। इसको कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बॉडी के पास चला जाएगा और बॉडी में पूरे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यानी सेल के पास चला जाएगा। अब ये बॉडी में जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सेल इसको ले लेगी, पर सिर्फ इतना ही काम हुआ था डाइजेशन में कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया था, ताकि ब्लड उसको इजीली क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म क्या हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट था उसको ग्लूकोज में यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया और हर सेल ने ले लिया। यहाँ तक का काम तो हमारा डाइजेशन के सिस्टम में हुआ, यानी इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हुआ, ब्लड में गया और ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, यानी ये सब ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोज बना था लास्ट प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद प्रोटीन्स का अमीनो एसिड, फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ये सारे सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म थे जो ब्लड में जा रहे थे और सेल्स में पहुंच रहे थे, इनसे इनका ब्रेक डाउन होगा। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स, जिनका की ब्रेक डाउन होना है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इनका ब्रेक डाउन होना है ताकि एनर्जी रिलीज हो, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स, द ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन oxidative breakdown during respiration are called respiratory substrates. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनको हम बोलते हैं, यानी जिनके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो ग्लूकोज क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी डाइजेशन की प्रोसेस में सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ब्लड के थ्रू बॉडी में चला गया, यानी सेल्स के पास पहुंच गया। अब आगे की प्रोसेस का होनी है, सेल के अंदर होनी है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये क्लियर हो गया आपको कि डाइजेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। अब क्या होगा कि अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर दो स्टेप हो गए, टू स्टेप्स हो गए रेस्पिरेशन के अंदर, टू स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, टू स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, दो स्टेप्स आ गए ना रेस्पिरेशन के अंदर, कौन कौन से, एक तो आ गया ब्रीथिंग, फर्स्ट हो गया ब्रीथिंग, फर्स्ट स्टेप आ गया ब्रीथिंग और सेकेंड हो गया ब्रीथिंग बोल सकते हैं हम इसको, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीथिंग सब में अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है, कैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी जो पानी में रहते हैं वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन को, एक्सचेंज जब करना है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, एटमोसफेयर के। एक्वेटिक एनिमल्स होंगे जो पानी के अंदर होंगे तो वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन, पानी से लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ देंगे, पानी के अंदर। तो एक्वेटिक एनिमल्स वाटर के थ्रू अपना ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ देंगे, और जो टेरेस्ट्रियल है जो लैंड पे रहते हैं वो एयर से। तो ब्रीथिंग अलग हो गया, दूसरा आ गया, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, दूसरा हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर वर्ड क्यों बोला, क्योंकि अब सेल के अंदर होगा, जो प्रोसेस सेल के अंदर होती है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर होगी. कैसे होगी अभी मैं आपको बताऊंगी. तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल. अब ये दो तरह का हो सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन. कैसे? एक तो एरोबिक यानी एयर की प्रेजेंस में, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, ये हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. तो दो तरह से होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हो गया एरोबिक, एनारोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं इन प्रोसेस में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वर्ड इंडिकेट कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एयर की प्रेजेंस में हो रहा है और फूड यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो हम लोगों के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ये भी होती है और एनारोबिक भी होती है एक जगह, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी. पर नॉर्मली क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन From the breakdown of food, from the breakdown of food, it is the process in which large amount of energy is released in the presence of oxygen from the breakdown of food. यानी food के breakdown से large amount of energy release होती है, किसमें? In the presence of ऑक्सीजन. तो हमने क्या बोला था कि डाइजेशन की प्रोसेस में क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन गया. अब वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सारी सेल्स के पास पहुंच गया है. अब हमने क्या करना है? हम बोल रहे हैं बार बार ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये सब क्या है? तो जो ग्लूकोज आया है, ठीक है, अब उस ग्लूकोज का क्या होगा? ये ग्लूकोज आ गया सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में, हमने ले लिया सेल ने. जब ये सेल इसको ले लेगी तो सेल के क्या पहुंचेगा? ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, है ना. सेल ने इसको अब्सॉर्ब कर लिया क्योंकि सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में था, तो हर एक सेल इसको ले लेगी ब्लड से. और ग्लूकोज आपको पता है क्या है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी ऐसे 6 कार्बन होते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज आया है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में. सबसे पहले तो सेल के साइटोप्लाज्म में ही जाएगा, ठीक है. 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, तो कहाँ जाएगा? इसका फॉर्मूला भी सबको पता है, C6H12O6. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का जो है कन्वर्जन होगा 6 कार्बन कंपाउंड से, ब्रेक डाउन होगा किसमें? 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड में. पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट आप इसको बोल सकते हैं. ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है.
ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अब देखो यहाँ 6 कार्बन एक है, तो 3 कार्बन कितने होने चाहिए बराबर करने के लिए, दो होने चाहिए। तो इसके क्या बनेंगे, टू मॉलिक्यूल्स, क्या बनेंगे, टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड प्लस एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। अभी तक जो ग्लूकोज था वो साइटोप्लाज्म में आया, यानी ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है, अब देखो इसका कन्वर्जन हो रहा है। तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तक की प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइको वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, ग्लूकोज से, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और ये वर्ड किससे आ गया, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। यानी ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, वो 3 कार्बन कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पाइरुविक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहाँ तक की प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म होती है, और ये प्रोसेस सब में कॉमन है, यानी अभी जब हम एनारोबिक की बात करेंगे वहां पर भी ये प्रोसेस यहीं तक कॉमन है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए कि 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट प्लस एनर्जी। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा हुआ है इसको 9th में, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पर आपने पूरी रिएक्शन नहीं पढ़ी थी 9th क्लास में। अब आप देखेंगे कि क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, और क्यों हम बोल रहे हैं बार बार ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ हम बोलते थे ना कि जो भी हमने खाना खाया है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन जो हम लेंगे रेस्पिरेशन से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। तो जहाँ पर भी फूड के साथ ऑक्सीजन आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो भी ये फूड आया, पाइरुविक एसिड आया, पाइरुविक एसिड एंटर किया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इसको कन्वर्ट कर देगा, ये बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कैसे बनती है, ये बनते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी में क्या है, ये एनर्जी, यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने देखा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज आप यही पढ़ते आ रहे थे कि जो फूड खाया, फूड प्लस ऑक्सीजन, ये पूरी रिएक्शन आप नहीं पढ़ते थे, फूड खाया, फूड का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। तो आपको पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है, एंड ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब भी हमारे को रिक्वायरमेंट होता है ये एटीपी ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी दे देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन आपको समझ में आया है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और जहाँ पर भी ऑक्सीजन कंबाइंड होती है वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड का कम्प्लीटली, देखो वही प्रोसेस हो गई। आपको अगर फोटोसिंथेसिस याद हो तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इससे मिलकर फूड बन रहा था, यही प्रोसेस थी। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है सनलाइट को, क्या बन रहा था, ग्लूकोज। यही प्रोसेस रिवर्स में आप देखिए क्या बन रहा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यही चीज बन रही थी फूड। तो फूड बन रहा था इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक, क्योंकि वहां पे फूड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या कर रहा था, उसको ग्लूकोज बन रहा था वहां पे। तो ये प्रोसेस जब भी कोई चीज बनती है तो वो प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक, और जब ब्रेक डाउन होती है तो क्या कहलाती है, कैटाबॉलिक। इसलिए ये ग्लूकोज का यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक
रिएक्शन जो कि यहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन हो गया है। समझ में आया आपको कि क्यों बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्यों बोलते हैं ब्रेक डाउन? ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हुआ है। तो आधा पार्ट कहाँ कम्प्लीट हुआ? साइटोप्लाज्म में, और आधा पार्ट कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की रिवर्स प्रोसेस है। जो वहां पे रॉ मटेरियल था वो यहाँ पर क्या बन गया? प्रोडक्ट। और जो यहाँ प्रोडक्ट है वो वहाँ रॉ मटेरियल था। तो इसलिए ये कैटाबॉलिक प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और कौन सा फूड लिया है हमने यहाँ पे? ग्लूकोस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है।